उज्जैन बड़नगर पलसोड़ा ग्राम पंचायत में विधायक तुलसी मोरवाल नल जल योजना का भूमि पूजन करने पहुंचे। उज्जैन बड़नगर तहसील के पलसोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहुंचे विधायक मुरली मोरवाल और यहां पर शुरू होने वाली नल जल योजना के तहत पानी की टंकी और नवीन पाइपलाइन का शुभारंभ किया, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। विधायक मुरली मोरवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नल जल योजना का शुभारंभ होने के बाद इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणजनों को पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही नल जल योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्य बेहतर तरीके से होंगे और समय सीमा में पूर्ण हो, उसी को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को निर्देश दिए गए हैं और कहा कि जल्द से जल्द काम पूर्ण करवाइए ताकि यहाँ के नागरिकों को बेहतर नल जल योजना का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत बलसोड़ा है, बड़नगर तहसील उज्जैन जिला। भाई, नल जल योजना हमारे पहले थी, उसमें बहुत जगह पानी भी नहीं जा रहा था, कुछ जगह पाइपलाइन बची हुई है, कुछ कनेक्शन नहीं बचे हुए, वो टोटल अब इसमें हो जाएंगे। अब किस प्रकार से इसके फायदे होंगे और क्या रहेगा? नहीं, इसमें फायदे जिस घर पानी नहीं जा रहा उनको पानी मिल गया, ट्यूबवेल की कमी थी, ट्यूबवेल भी लग जाएगा। ग्राम पंचायत पलसोड़ा है, इसमें नल जल योजना के अंतर्गत पूर्व में जो टंकी बनी थी उसके लिए पाइपलाइन की और आवश्यकता थी, इसके लिए पाइपलाइन के लिए सुविधा हो रही है जिससे हर घर पानी जाएगा। बड़नगर तहसील के अंदर मैंने 3 नल जल योजना का आज मैंने भूमि पूजन करा है और गांव वालों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि गाँव में हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, यहाँ पर नल की टोटी है। तो मैंने आज सुबह 11 बजे मोलाडा के अंदर नल जल योजना का लोकार्पण करा, भूमि पूजन। उसके बाद मैंने गांव पलसोड़ा के अंदर भूमि पूजन करा और उसके बाद मैंने सिकंदर खेड़ा में इसका मैंने भूमि पूजन करा है नल जल योजना का। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास बड़नगर तहसील के अंदर हो। वो 7 नल जल योजना मैंने करी थी, 3 का तो मैंने भूमि पूजन कर दिया है और 4 का भूमि पूजन मुझे और करना है। और मैं चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर नल जल योजना चालू हो और वहाँ के रहने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले।